हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइज, फाइनली आईफोन 6s के लिए एक और अपडेट आ चुका है, iOS 15.7.9 करके मेरे आईफोन 6s में। और गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ ये अपडेट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है। सो वीडियो पूरी देखिए। चैनल पर आप पहली बार आएँ तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो है बहुत ही जल्दी 40,000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि आईफोन 6s की वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर किसे लाइक करेंगे। यहाँ पर गाइज आप लोग देख लीजिए, इस अपडेट का जो साइज है वो 125 MB का है। और यहां पर क्या लिखा है आप लोग पढ़ लीजिए, दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। एंड गाइस, यहां पर मैं बात करूं, अगर अपडेट से पहले इस फोन में जो अपडेट चल रहा था वो था सॉफ्टवेयर वर्जन मतलब 15.7.8 का, जिसका बिल्ड नंबर था 19H364। और गाइस, अपडेट से पहले इस फ़ोन में जो अवेलेबल स्पेस था वो था 17.11 GB का, और जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 9.61.00। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करते रहिएगा, जो मैंने ये सब स्क्रीनशॉट लिया था 3:33 पर 64% बैटरी थी, सब कुछ मैं आपको इसका रीज़न क्या है सब बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका जो iOS मतलब जो अपना डाटा था वो था 6.98 GB का, और सिस्टम डाटा था 3.93 GB का आईफोन स्टोरेज में। गाइस, यहाँ पर गाइज अपडेट से पहले इस फ़ोन में जो बैटरी हेल्थ थी वो थी 75%, जो कि मेरी सर्विस मांग रही है। और इसकी मैंने जो है कुछ परफॉर्मेंस चेक की थी बेंचमार्क्स, तो यहाँ पर सिंगल कोर निकल कर आया था 641 और जो मल्टी कोर निकल के आया था वो था 955 iOS 15.7.8 पर आईफोन 6s में। और जब मैंने इसका GPU चेक किया तो वो था 2805 15.7.8 पर आईफोन 6s में। एंड गाइज, यहाँ पर जो है अपडेट हो चुका था, इस फ़ोन को मैंने अपने आराम से कर लिया था। और गाइज, 3:30 मैंने अभी बताया ना, 3:33 पर इसमें बैटरी कितनी थी, अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखे थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 63% बैटरी थी। ठीक है, सो यहाँ पर जब मैंने ये सब स्कोर जो है चेक किए तो यहाँ पर जो बैटरी थी धीरे धीरे वो बची 5%, तो ऑटोमेटिक जो बैटरी ड्रेन हो रही थी उस टाइम पे बहुत ही फास्ट ड्रेन हो रही थी, तो यहाँ पर बैटरी जो है मात्र 5% बची थी जब मैंने इसको जो है डाउनलोडिंग पर लगाया। 3:57 पर ये डाउनलोड हो चुका था, फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया, बैटरी 5% ही थी। सो गाइज, ऑटोमेटिक बैटरी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। सो गाइज, ये अपडेट हो चुका था। अपडेट के बाद इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो चेंज हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो 15.7.9 19H365। और यहाँ पर जो इसका अवेलेबल स्पेस है 17.16 GB का, जो कि माइनर सा चेंज यहाँ पर गाइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। बात करें गाइज यहाँ पर और चीज़ों की, जो कि iOS डाटा 6.98 GB का, सिस्टम डाटा सेम टू सेम, कोई भी खास जो है वो चेंजेस नहीं हुए हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जो है ध्यान से देखिएगा, 5:29 पर 69% बैटरी मैंने और चार्ज की, 10 मिनट पहले यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा 95% चार्ज की थी, और 10 मिनट में बैटरी जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी मेरे आईफोन 6s की। और यहाँ पे मैक्सिमम जो बैटरी हेल्थ, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हुए, 75% पहले भी थी अभी भी है। फिर मैंने इसमें जो है अपना बेंचमार्क्स चेक किए अपडेट करने के बाद, यहाँ पे iOS 15.7.9 में जो इसमें बेंचमार्क्स निकल के आए, इसका जो सिंगल कोर है 645 यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला, और मल्टी कोर भी थोड़े से जो है हमें जो है ज़्यादा मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पहले 2800 कुछ था, अभी 3160 हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने जो है GPU वगैरह सब चेक किया तो आपको परफॉर्मेंस पहले अपडेट के मुकाबले इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल जाएगी। अपडेट भी देख सकते हो 15.7.9 में जो है आपको GPU भी काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल जाता है। अपडेट के बाद कुछ 9 ऐप्स थे जो अपडेट मांग रहे थे, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और विंक म्यूज़िक, वाइट स्टूडियो, एयरटेल, जीमेल, गूगल और व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये कुछ ऐप्स थी। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, एक घंटे में, यानी कि एक घंटा हो गया था हमें 95% फ़ोन को चार्ज किए हुए, और एक घंटे में फ़ोन जो है वो मेरा 2% बचा था, तो पूरी की पूरी जो है बैटरी वो ड्रेन हो चुकी थी उस टाइम पर, और हमें स्क्रीन ऑन टाइम मात्र एक घंटे का मिला था। तो ये था सीन गाइस इस अपडेट का। अब आप लोग एक और चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1% बैटरी बची है, और ये फ़ोन चार्ज कब हुआ था, ये है सबसे इसका जो है प्लस पॉइंट। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस फ़ोन को कल, यानी कि कल जब 5:19 पर फ़ोन मैंने अपना, जो आपको मैंने दिखाया था 95%, ये वही वाली चार्जिंग है, और अभी भी फ़ोन में 1% बैटरी है। फ़ोन जो है तब से ऑन है, और आज जो है 7:20 हो रहे हैं, आज है गाइज वेडनेसडे, सुबह का टाइम हो रहा है 7:20, और इस फ़ोन में बैटरी अभी भी है। सो ये जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें 5-7% बैटरी के बाद ये फ़ोन जो है
स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, इसमें बैटरी बरकरार बनी रह रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो 1 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम भी है। और ये आपको चार्जिंग जो है ट्यूजडे कल वाला 5:19 शाम को जब मैंने इसको अपडेट किया था उस टाइम का है। तो बैटरी बैकअप अगर आपके फ़ोन में ख़राब मिल रहा था, लेकिन अगर आपके आईफोन में बैटरी ऑटोमेटिक ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर फिक्स किया एप्पल ने। और यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखिए, जब आईफोन 6s में मैं ये ऐप यूज़ करूँगा गीक बेंच का, उसमें बैटरी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है, तो उसकी वजह से इस फ़ोन में जो है बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही थी जब मैं इसको जो है टेस्ट कर रहा था। इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए बहुत सारे, उसमें मैंने गीक बेंच जो है चेक नहीं किया था। सो मैंने कहा लाओ एक बार चेक करते हैं और देखते हैं क्या कुछ जो है सीन रहता है, तो इस वजह से बैटरी ड्रेन हो रही थी। बाकी बैटरी बैकअप काफ़ी ठीक मिल रहा है मुझे लगता है इस अपडेट में, और परफॉर्मेंस जो है गाइस आपको सच में बता रहा हूँ आप फील करोगे कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, पहले के मुकाबले काफ़ी सही मिल रहा है। और यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर, इसमें कोई भी चेंजेस जो है गाइस वो नहीं है। बात करें गाइस और चीज़ों की, कनेक्टिविटी वगैरह की, तो सारा कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, चाहे मैं बात करूँ ब्लूटूथ वाईफाई मोबाइल डाटा सब कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और पहले फ़ोन में सिम भी नहीं रखता था मैं, बट मैंने कल इसमें जब अपडेट करा उसके बाद से फ़ोन में सिम भी जो है डला हुआ है, तो यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर बात करूँ ओवर हीटिंग कैसा क्या सीन है, तो ओवर हीटिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं कर रहा है। सो अगर आपके पास आईफोन 6s है तो मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए, बैटरी बैकअप सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गाइस ये चल रहा है। सो आईफोन 6s यूज़र्स को ये अपडेट मेरे हिसाब से डेफिनेटली कर लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया अपडेट है और बैटरी तो मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। अगर किसी के पास नया होगा, नया बैटरी एप्पल जो है सर्विस सेंटर से अगर उसने डलवाई होगी, तो बैटरी बैकअप उसको और अच्छा मिल जाएगा। सो आप लोग तुरंत इस अपडेट को कर लीजिए, काफ़ी छोटा सा अपडेट है और काफ़ी कमाल का अपडेट मुझे लगा अब तक का। और आईफोन 6s को अभी तक अपडेट मिल रहे हैं, इस बात के लिए गाइस वीडियो को लाइक तो जो है जरूर कीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा था अभी तक अपडेट मिलेंगे। यहाँ पर आईफोन एक्स को i17 का अपडेट तो नहीं मिला है, बट यहाँ पर गाइस एक और प्रॉब्लम है जो मैंने आपको कल बताया था कि शेयर करूँगा। सो गाइस ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट में गए, यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है अपना लेटेस्ट वाला iOS 16.6.1, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है सब कुछ डाल रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो ही नहीं रहा गाइस। यहाँ पर क्या लिखा है ये देखो, 2 बार किया है आज हो गया गाइस, कमाल है गाइस। इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं 3 दिन से परेशान था इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था, आज हो गया। आप लोगों की जो है मेहरबानी से मैं तो बड़ा खुश हो गया, काफ़ी दिन सच में परेशान था ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। सो इस बात के लिए जो है वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, और इस बात के लिए भी लाइक कीजिए जो है आईफोन 6s में आपको नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। और मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको जो है माइंड में कोई सवाल है सुझाव है आईफोन 6s से रिलेटेड, कोई सवाल है सुझाव है, कुछ वीडियो देखना चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो नीचे कॉमेंट्स में जो है लिखकर मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से गाइस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और अगर आपको किसी को भी आईफोन जो है लेना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, उस पर बहुत ही कमाल की वीडियोस जो है वो आपको मिलने वाली हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को गाइस जो है वो मिल जाएं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।